आलम कैड टेक में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है कर्टेन वॉल एंड ग्रिड एंड मलियन। तो आइए आज हम सीखते हैं कर्टेन वॉल क्या होता है, ग्रिड क्या होता है, मलियन क्या होता है। तो हम चलते हैं रेविट 2019 में। ये हमारा रेविट ऑन हो गया। यहाँ पे सबसे पहले हम वॉल की टाइप्स जानेंगे, तो वॉल पे क्लिक करेंगे या डब्ल्यू ए कीबोर्ड में इंटर करेंगे। हमने जब डब्ल्यू ए इंटर किया तो हमारा सिस्टम शुरू, हमारे वॉल आ गए। अभी तो हमारा यूनिट सेट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूनिट को सेट करेंगे। फर्स्ट प्राइमरी वॉल यू एन, यहाँ पे लेंथ है, लेंथ में हम फिट एंड फंक्शनल को ओके कर दिया। अब हमारा यूनिट सेट हो गया। यहाँ प्रॉपर्टीज है, यहाँ प्रॉपर्टीज में यहाँ पे थ्री टाइप्स के वॉल होते हैं। एक तो हमारा बेसिक वॉल होता है, बेसिक वॉल, सेकेंड इज कर्टेन वॉल और थर्ड वन इज स्टॉक वॉल। तो आज हमें कर्टेन वॉल पढ़ना है। कर्टेन वॉल भी थ्री टाइप्स के होते हैं, एक कर्टेन वॉल होता है सिंपली, एक एक्सटीरियर ग्लेजिंग एंड स्टोर फ्रंट। तीनों में डिफरेंट क्या है कि ये कर्टेन वॉल बिल्कुल एक कांच का होता है, कांच, इसमें कोई ग्रिड नहीं लगा रहता है और आप देख सकते हो। और ये जो स्टोर फ्रंट है इसमें ग्रिडिंग लगा रहता है, बस यही डिफरेंट है दोनों तीनों में। हम कर्टेन वॉल सिंपली बनाएंगे, एक कर्टेन वॉल बनाते हैं। कर्टेन वॉल लिया और हमने एक लाइन को खींच लिया। अब इसे हम 3D में जाकर देखेंगे। 3D के लिए यहाँ पर देखेंगे, आप ऑब्जेक्ट बनाया हुआ 3D, हमने 3D किया। हमने 3D किया, अब इसे सैलिड करते हैं या रियलिस्टिक कर लेते हैं। ये देखिए, और शिफ्ट प्रेस करेंगे और माउस के व्हील को प्रेस करके हम इसे रोटेट कर लेंगे। देखो रोटेट किया हमने और देखते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल सिंपली एक कांच आ रहा है। इतना बड़ा कांच तो हो नहीं सकता एक वॉल में, क्योंकि ये बहुत वीक हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, वीक हो जाएगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रिड लगाएंगे इसमें। ग्रिड लगाने के लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसकी एक फ्रंट हमें फ्रंट चाहिए। हमने फ्रंट ले लिया इसका, ठीक है। फ्रंट लेने के बाद इसको हमने देखेंगे, यहाँ कर्टेन ग्रिड है, यहाँ कर्टेन ग्रिड, आप आर्किटेक्चर में आएंगे और यहाँ कर्टेन सिस्टम भी है, कर्टेन ग्रिड एंड कर्टेन मलियन। हम एक एक तीनों को जानेंगे बिल्कुल डीपली में। अभी फिलहाल हम कर्टेन ग्रिड को पढ़ते हैं। कर्टेन ग्रिड को क्लिक किया। कर्टेन ग्रिड एक तो वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है। और यहाँ देखेंगे थ्री टाइप्स के होते हैं उसके एजम्पशन, एक तो ऑल सेगमेंट्स, वन सेगमेंट्स और ऑल एक्सेप्ट। अगर हम ऑल सेगमेंट करेंगे तो ऑल सेगमेंट हो गया, सब पे पास हो जाएगा ये हमारा। इस तरह से हम इसके डिस्टेंस भी हम डाल सकते हैं, इस तरह से हम एक वर्टिकली लगा लेंगे। उसके बाद हॉरिजॉन्टली है तो यहाँ पे इसके एक्सटीरियर पार्ट पे हम क्लिक जब ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक एक ग्रिड बनने को बनेगा। ग्रिड बन गया यहाँ पे, यहाँ ग्रिड, यहाँ ग्रिड लगा दिया। यहाँ हमने सिर्फ अभी ग्रिड लगाया, कैंसिल कर दिया, आप देखेंगे ग्रिड लगा हुआ सिर्फ। अभी इसमें मलियन लगाएंगे तो हम फ्रेम बनेगा इसका। ग्रिड में आइडेंटिफाई कर रहा है कि यहाँ पे आप मलियन लगा सकते हो। मलियन हम यहाँ नहीं लगा सकते, हम जहाँ ग्रिड है वहीं मलियन लगा सकते हैं, ठीक है। और आपको इसमें कुछ डिस्टेंस डालना है, स्पेसिफाइड डिस्टेंस है तो स्पेसिफाइड डिस्टेंस भी डाल सकते हैं आप। जैसे हमने इसको डाल दिया 8 फीट का, इसे भी कर दिया हमने 8 फीट का। इसके डिस्टेंस आगे पीछे आप कर सकते हैं। ग्रिड जैसा कि पहले हमने पिछले वीडियो में हमने बनाया था, जब हम एक प्लान बना रहे थे तो प्लान कुछ भी बना लिया, उसके बाद उसकी फिर से हमने डायमेंशन कर दिया, फिर से उसे चेंज कर दिया। हम इसे क्लिक करते हैं तो इसमें करेक्शन होगा, इसे क्लिक करेंगे तो इसमें, ठीक है। इसे ये 8 फीट है या 10 फीट दिखा रहा है आपको, इक्वल करना है तो यहाँ इसको 8 फीट कर दिया, यहाँ 10 फीट है तो इसको भी मैंने 8 फीट कर दिया। इस तरह से हम इसकी कर सकते हैं।
हमने कर्टेन ग्रिड लगा लिया, अब हमें इसमें मलियन लगाना है। मीन्स मलियन मीन्स क्या है कि फ्रेम लगाना है, सर्कुलर लगाना है, रेक्टेंगुलर लगाना है। अगर मलियन पे क्लिक करेंगे, क्लिक कर दिया तो यहाँ प्रॉपर्टीज में उसके टाइप्स आ रहा है। इसको क्लिक किया तो देखिए मलियन की टाइप्स, सर्कुलर मलियन, एल कॉर्नर मलियन, एक और क्वाड कलियन मलियन, रेक्टेंगुलर मलियन, ट्रेपेजॉइडल कॉर्नर मलियन, वी कॉर्नर मलियन, बहुत तरह के इसमें टाइप्स है, इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। अगर हमें अभी सर्कुलर लगाना, सर्कुलर पे क्लिक किया और हमने यहाँ देखो तीन थ्री टाइप्स के इसमें जम्पशन दे रहा है इसका, कि आप सिर्फ एक सिंगल लाइन पे लगाना चाह रहे हो, हाफ लाइन लगाना चाह रहे हो या टोटल पे लगाना चाह रहे हो। अगर हमें टोटल पे लगाना है तो हमने ऑल ग्रिड लाइन पे क्लिक किया और हमें कहीं भी एक बार कहीं क्लिक कर दिया तो आप देखेंगे सारे पे में मलियन लग गया। इस टाइप के आपके मलियन लग गए, आप देख सकते हो मलियन लग गया। इस तरह से तो ये हमारा इसमें ग्रिड लग गया, ग्रिड भी लगा लिया हमने, मलियन भी लगा लिया। इस मलियन को हमें चेंज करना हो तो हमने सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और इसको चेंज कर सकते हैं। हमें लगाना है इस पर रेक्टेंगुलर लगाना है तो हम रेक्टेंगुलर भी लगा सकते हैं। रेक्टेंगुलर हमें 50x50 का लगाना है, 150 का लगाना है। देखो आप यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हो आपकी ये रेक्टेंगुलर लगे, ये रेक्टेंगुलर हो गया, ये सर्कुलर हो गया। तो इस तरह से हम अपने एक वॉल के कर्टन वॉल में ग्रिड लगा सकते हैं, मलियन लगा सकते हैं, मलियन को चेंज कर सकते हैं। और एक चीज़ और देखेंगे हम, ये जो मलियन है हम चाह रहे हैं कि ये मलियन जो है ना इसमें कट हो और इसी बिल्कुल कंटिन्यू हो। तो इसको कंटिन्यू करने के लिए हम क्या करेंगे, हम चाह रहे हैं कि जो हमारा हॉरिजेंटली है ये हमारा कंटिन्यू हो और इसमें ब्रेक हो वर्टिकली में, तो ऐसा भी कर सकते हैं। हमने क्या किया, इसको सिंपली इसको क्लिक किया, ये जो हमारा वर्टिकुलर है इसको क्लिक किया वर्टिकल पे, और यहाँ देखो ऊपर लिखा हुआ सेलेक्ट करने के बाद आएगा, सेलेक्ट करने के बाद मेक कंटिन्यू ब्रेक ज्वाइन, ठीक है। हमने मेक कंटिन्यू कर दिया, देखेंगे आप आपकी ये कंटिन्यू हो गया और वर्टिकल जो है वो ब्रेक हो गया। तो इस तरह से ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और हम चाह रहे हैं इसको ब्रेक करना, तो इसको सेलेक्ट किया सिंपली और इसमें हमने ब्रेक ज्वाइन कर दिया, तो इसे भी हो जाएगा, दोनों से हो जाएगा, बहुत से हो जाएगा। कि अगर हम वर्टिकली अगर कंटिन्यू हमारा उसको क्लिक किया और हमने ब्रेक कर दिया तो हमारा हॉरिजॉन्टल ऑटोमेटिक कंटिन्यू हो जाएगा, तो दोनों तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो ये था हमारा कर्टेन वॉल ग्रिड एंड मलियन। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक का थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।